नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अब टेली कंपनी की तरफ से फाइनली जो 2.1 रिलीज है एडिट लॉ के लिए, वो अब लॉन्च कर दिया गया है। तो जो अभी तक जो हम टेली प्राइम का जो रिलीज हम यूज़ कर रहे थे, वो था टेली प्राइम का रिलीज 2.0.1 और अब हम नए अपडेट के साथ 2.1 रिलीज को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब कंपनी ने टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग दो अलग अलग सेटअप है वो तैयार कर दिए हैं। अगर आपकी कंपनी एडिट लॉग फीचर्स के लिए एलिजिबल है तो आपको टेली प्राइम एडिट लॉग का जो सेटअप है उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी के ऊपर एडिट लॉग का फीचर्स अभी लागू नहीं होता, आपकी कंपनी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको सिंपल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ही कंटिन्यू यूज करते रहना है और उसी को हम 2.1 में अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस टेली प्राइम एडिट लॉग में क्या कुछ नया अपडेट हुआ है, किस तरीके से हम एडिट लॉग के फीचर्स को, यानी कि ऑडिट ट्रायल वाला जो ऑप्शन है जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा, उसे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से यूज करेंगे, सारी बातें इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं। क्योंकि हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का नॉर्मल वर्जन उसको भी अपडेट कर दिया है और इसके साथ साथ कंपनी का जो एडिट लॉग का जो सेटअप है वो भी हमने डाउनलोड कर रखा है, उसे भी हम ओपन करेंगे। तो सारी बातें आपके साथ प्रैक्टिकली हम आपको करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई और नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अभी जो हमारे सामने ये जो टेली सॉफ्टवेयर का टेली प्राइम सिल्वर वर्जन ओपन है, इसको हमने 2.0.1 से इसको अपडेट कर लिया है। अबाउट पे हम जाके देखेंगे तो ये हमारा रिलीज 2.1 यानी कि लेटेस्ट है। अब हमें, अगर आपकी कंपनी के ऊपर एलिजिबल नहीं हो रहा है ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन, यानी कि MCA की तरफ से जो कंपलसरी है 1 अप्रैल 2022 से, तो आपको 2.0.1 को ही आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपकी कंपनी के ऊपर एडिट लॉग का फीचर्स लागू होता है तो आपको इस एडिट लॉग वाले सेटअप को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का सेटअप है जो डाउनलोड हो जाएगा, जिसके ऊपर EL अलग से लिखा होगा। हम इसको भी ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे टेली प्राइम एडिट लॉग साथ में लिखा आएगा और हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके जो कंपनी जो बनी हुई है सभी कंपनी का बैकअप आपको ले लेना है और उसके बाद में आपको करना है यहाँ पर माइग्रेशन। तो जैसे कि मैं इसके एक कंपनी को माइग्रेशन कर लेता हूँ और उसके बाद में माइग्रेट और उसके बाद में ओवरराइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो अब जैसे मैंने एडिट लॉग के कंपनी को ऑन कर लिया तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा टेली प्राइम एडिट लॉग का ये सिल्वर वर्जन है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा एडिट लॉग। और उसके बाद में जैसे हम कंपनी पे जाके क्लिक करेंगे तो कंपनी के अंदर भी आपको यहाँ पर एक एडिट लॉग का ऑप्शन है जो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की, तो इसके अंदर अगर हम कंपनी पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमें एडिट लॉग का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद में जैसे हम एडिट लॉग पर चलते हैं तो आपके ऊपर ये पूछेगा भी एक यूज़र है इसको अभी तक यूज कर रहे हैं और अभी आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल टाइम आपको दिखाएगा 22 मार्च 2022 है और 20:06 यानी कि 8:06 का अभी टाइम हो, ये आपके साथ टाइम का रिकॉर्ड है जो साथ के साथ मेंटेन करेगा। अब ये एडिट लॉग का फीचर्स किस तरीके से काम करेगा इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डे बुक पर हम जाते हैं, कोई भी एक एंट्री को हम मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे कि ये मेरा इनवॉइस मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने इसका इनवॉइस नो नंबर है यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, इनवॉइस नंबर चेंज कर दिया, डेट मान लीजिए मैंने इसकी चेंज कर दी है 30/3 कर दी। जो जो चेंजिंग होएगा सब कुछ बताएगा, पार्टी का नाम हम सेम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में क्वांटिटी को हम 10 की जगह हम कर दे देंगे 8 और इसका जो रेट है वो हम 100 रुपीज़ रख देते हैं, यानी कुछ हम चेंजिंग करते हैं अलग से। और उसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट सेव कर देंगे तो हमने 30 मार्च के अंदर इस सेल इनवॉइस को चेंज है जो कर दिया है। अब उसके बाद में हमें करना क्या होगा, एडिट लॉग का जो ऑप्शन है उसको हमें
ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए आपको करना क्या होगा, कंट्रोल के साथ ओ बटन है जो प्रेस कर देना है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब हो गया रिलेटेड रिपोर्ट्स, इस पर हम क्लिक कर सकते हो आप, और एडिट लॉग पर आपको जाना होगा। जैसे हम एडिट लॉग के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी एडिट लॉग की, और उसके अंदर आपको ये दिखाएगा भी अल्टर्ड, एक ऑप्शन आपने अल्टर किया है 22 मार्च 2022 को और 8:07 पर आपने किया है। इंटर प्रेस करेंगे तो क्या कुछ चेंजिंग हो, सबसे पहले इसके ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस रिकॉर्ड, भी प्रीवियस रिकॉर्ड का मतलब भी पहले क्या था। एंटर प्रेस करेंगे, भी पहले आपका ये डाटा था, इसमें क्या कुछ था, डेट 31 मार्च की थी, रेगुलर था, इंडिया था, पार्टी का नाम, लेजर नेम, मेलिंग नेम, कंसाइनी नेम, दुर्गा ट्रेडर्स का था, 31 मार्च का था, एड्रेस वगैरह था, उसके बाद में ये सब कुछ इसका इनवॉइस की वैल्यू थी, डेट वगैरह ये सब कुछ थी, यानी कि ये अल्टर करने से पहले का रिकॉर्ड है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिखाएगा भी डिफरेंस बिटवीन एडिट लॉग वर्जन्स, और उसके बाद में हम चलते हैं अल्टर पर। इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो अब आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने चेंजिंग करी है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि आप ये डेट देख रहे हो रेड कलर में आ रही है, तो ये जो हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड दिखाएगा भी आपकी डेट 31 मार्च थी लेकिन आपने 30 मार्च इसको कर दिया, और उसके बाद में जो जो चेंजिंग आपने करी है, वाउचर का नंबर आप देख सकते हो ये रेड कलर के अंदर है, ये पहले 9 नंबर था लेकिन बाद में आपको इसके 15 नंबर आपने किए। उसके बाद में और चेंजिंग पर हम चलते हैं, और उसके बाद में ये आप क्वांटिटी देख सकते हो, रेट आप देख सकते हो, ये सब रेड कलर में आ गए। जो जो चेंजिंग आपने करी है वो आपका यहाँ पर शो करेगा भी आपके जीएसटी, जो जिस जिस पेंटर पे जाएंगे, जो जो आपके अमाउंट चेंजिंग होगी, जो जो लेजर आपने चेंजिंग किया, सब कुछ रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो करेगा इस एडिट लॉग के फीचर्स के ऊपर, और आपको बकायदा यहाँ पर टाइम भी दिखाएगा। इसी तरीके से हम एक एंट्री को और चेंज करते हैं, वापस हम डे बुक पर चलते हैं और हम इसी एंट्री को वापस ओपन कर लेते हैं। अब एंट्री जैसे कि अभी अमाउंट हम देख रहे हैं 5,000 रुपये की है, और इस 5,000 रुपये का अभी हमने मान लीजिए इसमें कुछ चेंजिंग हम नहीं करते हैं, AGTG ओपन करके इसको हमने सेव कर दिया, और वापस इसके हम रिलेटेड रिपोर्ट पे जाके देखते हैं, एडिट लॉग पे जाएंगे तो अब आप देख सकते हो ये 3 नंबर विंडो आ जाएगी भी ये आपकी रिसेव्ड है, नो चेंज, यानी कि आपने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करी, आपने वापस जैसे था वैसे के वैसे ही आपने इसको सेव कर दिया। वापस हम इसको कुछ चेंजिंग करके देखते हैं, 5,000 की बजाय हम इसको 4,000 रुपये करके देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद में रिलेटेड रिपोर्ट पर हम चलते हैं, एडिट लॉग पर जाएंगे तो आप देख रहे हो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अल्टर्ड। अब अल्टर्ड पर हम क्लिक करेंगे, साथ के साथ आपको यहाँ पर टाइम भी शो करेगा भी आपने ये 8:12 के ऊपर सेव आपने करी है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके साथ पहले क्या था और बाद में क्या था, दोनों ऑप्शन आपको एक साथ है जो शो करेगा। जैसे कि आप सबसे पहले ये देख रहे हो भी अमाउंट 5,000 रुपये की थी, बाद में आपने इसको 4,000 रुपये का कर दिया, और कुछ भी रेड कलर के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ लेजर चेंज नहीं किया और कुछ डेट चेंज नहीं करी, जो जो चेंजिंग होगी वो रेड कलर के अंदर आपको साथ के साथ शो करता रहेगा। तो ये हमारा जो फीचर्स है ये हम यहाँ पर इसको मतलब एडिट लॉग का जो फीचर्स है इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंट्री आपके पास आ गई उस एंट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सभी फीचर्स है वो ऑफ हो चुकी हैं। अब न तो ये एल्ट डी के साथ कोई काम करेगा, न कोई डी के साथ काम करेगा, ये अब आप एंट्री एडिट लॉग के फीचर से अब इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये सभी एंट्रियाँ जो भी आप एंट्री अपने रिसेव करी है चाहे कुछ अल्टर किए, सारी की सारी आपको डेट विद टाइम के साथ ये शो करेगा। तो एडिट लॉग, अब उसके बाद में जैसे हम कंपनी पे जाएंगे, अगर आप मान लीजिए आपकी कंपनी में अलग अलग आपने यूज़र बना रखे हैं तो आप यूज़र वाइज भी आपको दिखाएगा भी कौन से यूज़र ने कितने बजे कौन कौन सी एंट्री के अंदर इसके अंदर चेंजिंग करी है। तो आप देख रहे हो अभी ये यूज़र वन है, एक ही यूज़र है मेरे पास में, तो एक ही यूज़र अभी तक वो दिखाएगा। अलग अलग आप यूज़र बना सकते हो कंपनी पे जाके, और यहाँ से अलग अलग आप यूज़र एंड पासवर्ड दोनों क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप अपने क्लाइंट को या आप अपने ऑफिस के अंदर किसी दूसरे एम्प्लॉय को एक्सेस देना चाहते हो भी कुछ भी चीज़ एडिट करने के लिए, तो वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये था एडिट लॉग का टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की तरफ से जो नया फीचर्स लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये फीचर्स आप सभी कंपनी को पसंद आएगा क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी कंपनी इसके लिए ऑडिट ट्रेल का TDL जो यूज़ कर रही थी, लेकिन फाइनली अब टेली सॉफ्टवेयर ने इसको बिना किसी TDL के इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।